राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने महिलाओं की जन समस्या की जन सुनवाई के लिए विकास भवन के सभागार में जन जागरूकता शिविर लगाया। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने जन जागरूकता शिविर में आई महिलाओं की समस्याओं को सुना, उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। जिसके संबंध में राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने बताया कि राज्य महिला आयोग के द्वारा महीने के प्रथम बुधवार और तृतीय बुधवार को जन सुनवाई जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होता है, जिसमें आयोग की सदस्य व पदाधिकारी जिलों में जाकर महिलाओं के समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। इसके अलावा सरकार की महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, जन सुनवाई में आई महिलाओं को विस्तृत जानकारी दी जाती है और योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली जाती है। इस अवसर पर जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी प्रभा, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित फरियादी महिलाएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा, गोरखपुर में राज्य महिला आयोग महिला संबंधी अपराध या महिला संबंधी जो उत्पीड़न की शिकायतें हैं उसकी सुनवाई की जाएगी। तत्पश्चात जो भी महिलाओं से संबंधित स्कीम्स हैं उसके बारे में भी संक्षिप्त में एक संक्षिप्त आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है। तो इस क्रम में हमारी आंगनबाड़ी बहने मैडम करो परेशान करते होंगे तब ना कोई भी बहू अपने घर में से क्यों सुरक्षा से निकलेगी भाई।
उनका बता रहे थे कि लखनऊ में उसके हस्बैंड मतलब जॉब करते थे पहले बाहर नहीं, तो वो लोग साथ में रहे। नाम क्या है आपका? रहती हूँ। इनके भी दोनों पक्षों को क्यों मारते हैं? उनकी लाइफ ठीक नहीं है, मायके में नहीं रहना चाहती हूँ। वही बताऊँगी कि जब भी जाती हूँ बस मिलने पर जाता था, उसने रखते हैं सही, तो उसके बाद बात तबीयत का बढ़ते रहते हैं। बहुत मार पीट करे ना, पीछा मिर्चा रखो तुरंत, एक मुठ्ठी में कुछ होगा नहीं, और उनकी बुद्धि सुधर जाएगी, ताकि वो बीवी को इतना कमज़ोर ना समझे कि मार के घर से भगा। कोई भी हो, मिर्चा सबके लिए मिर्चा है, किसी को डाल दो, माँ बहन मारे उनके भी आँख में डाल दो। मार रही नहीं हो तुम, जब मारे तो डाल दो, पैर पे खड़ी हो, कोई नहीं कोई काम करो, कोई काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। कोई काम करते कमी नहीं देते, सब छुड़ा देते हैं, तो वहाँ पर भी लफड़ा करके छुड़ा देते हैं। कहाँ पे? जहाँ काम करते हैं ब्लॉक में काम कर देते हैं। तो वो जितने मजबूत हैं ज़्यादा मजबूत तुम बनो, ठीक है ना? तुमको अब सोच लो कि तुमको बहुत संघर्ष करना है, और ये दुख ये परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना? खुद लड़ना सीखो, खुद अपने काम के लिए अपने हक के लिए लड़ना सीखो, और खुद मेहनत करना सीखो। आखिर घर में भी सुबह उठ के 5 बजे 4 बजे लड़कियाँ उठ जाती हैं, और तब से झाड़ू पोछा सब कुछ, चाय कपड़ा खाना सारा काम करती है ना। वही काम एक नौकर को दिया जाए तो 10,000-15,000-20,000 ले रहा है ना, तो वही काम तुम फ्री में करती हो, फ्री की नौकर से, उसके बाद भी वो नहीं रहने देंगे। कोई काम नहीं करती हैं आप? वहाँ गए, वहाँ मेरे साथ भी सैठे से आई, वहाँ हम लड़ाई झगड़ा की घर आए, मेरी ननद और वो दोनों को मेरे कमरे से जाने को मारे। तो आप भेजिए ना, मैं पूरा दिन हूँ। महिला आयोग में हर महीने के प्रथम बुधवार को और तृतीय बुधवार को हर जिले में कार्यक्रम लगता है। हम लोग महिला जनसुनवाई करते हैं, महिलाओं की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं समीक्षा बैठक में उन योजनाओं के बारे में भी चर्चा करते हैं कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो उस कार्य को उस विभाग का वो काम सरकार की योजनाएं कहाँ तक पहुँची हैं, ये उस बारे में क्या कर रहे हैं, इनका क्या स्थान है अपने शहर में अपने यूपी में, और क्या कहते हैं कि क्या और करेंगे तो और बेहतर होगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसकी एक समीक्षा बैठक करते हैं, बाकी महिला जनसुनवाई करते हैं। उसके बाद समय मिलता है तो हम जहाँ जहाँ महिलाएं हैं, जैसे महिला जेल है, कस्तूरबा विद्यालय है, सिविल अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, जो भी सरकार की महिलाओं से संबंधित जगहें हैं, विद्यालय बालिका राजकीय बालिका विद्यालय है, इन सब का निरीक्षण करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कहीं कोई सरकार की योजनाओं के बारे में जो भी कार्य हो रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, और जितनी सरकार सुविधा दे रही है वो सच में दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और हम अपने कार्यों को ईमानदारी से करें, ताकि जनता खुश रहे, समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार हो, महिलाओं की पूरी सुरक्षा हो, और उन्हें सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए हम सभी काम करते हैं। किस तरह के मामले आए हैं? अब ज़्यादातर अभी तक जो भी मामले आए हैं वो सब सास से दुखी हैं, सास से परेशान हैं बहनें, और मुझे विश्वास है हमेशा होता है, हर सुनवाई में होता है, और 100% होता है। हमारी महिला थानाध्यक्ष बैठी हैं, हमारे एसपी क्राइम बैठे हैं, हमारे सारे अधिकारी बैठे हैं, सभी किसी भी तरह की, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या ऐसी चीज़ें हों, ऐसी योजनाएं समाज कल्याण से संबंधित हो, DPO से संबंधित हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं, इसमें कहीं भी उन महिलाओं को कोई भी योजनाओं का लाभ अगर मिलने लायक होता है तो ये सारे अधिकारी हमारे लोग उनकी सहायता करते हैं, उनका अगर कहीं नाम छूट गया रहता है उसको भी डालते हैं, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, तमाम तरह की सरकार की योजनाएं हैं, सुमंगला योजना है, जनधन योजना है, दुनिया भर की योजनाएं हैं सरकार की,
जिसके बारे में हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, उन सबका कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, किसको सुविधा मिल, किसको इसका लाभ मिल रहा है, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो वो कैसे मिले, इसके बारे में विचार करके अपने काम को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करते हैं।